हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने आपके अपने यूट्यूब चैनल वन फॉर एंजॉय में। जैसे कि आप सभी को पता है, DSSSB ने TGT SST फीमेल कैंडिडेट के लिए डेट डिक्लेयर कर दी है। तो आइए जल्दी से, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम इकोनॉमिक्स पर ध्यान देते हैं और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। पहला है द वेल्थ ऑफ नेशन बुक के लेखक का नाम क्या है? प्लेटो, एडम स्मिथ, केन्जिया, एच हिक्स। क्वेश्चन नंबर दो, विकसित देशों समूह जहां बाजार कीमत क्रियाविधि प्रचलित है किस दुनिया के देश कहलाते हैं? ए पहली दुनिया, बी दूसरी दुनिया, सी तीसरी दुनिया, डी चौथी दुनिया। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्न में से कौन पहली दुनिया का देश नहीं है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। क्वेश्चन नंबर चार, विभिन्न देशों का वह समूह जहां प्रशासित कीमत क्रियाविधि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म अपनाई जाती है किस दुनिया के देश कहलाते हैं? ए पहली दुनिया, बी दूसरी दुनिया, सी तीसरी दुनिया या डी चौथी दुनिया। क्वेश्चन नंबर पांच, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए अधिकांश लोगों देशों ने विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, इन्हें किस दुनिया का देश कहा जाता है? ए पहली दुनिया, बी दूसरी दुनिया, सी तीसरी दुनिया, डी चौथी दुनिया। क्वेश्चन नंबर छह, विश्व में कई ऐसे देशों का समूह है जो विकास का मार्ग अपनाने के लिए द्वंद कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में है, जैसे युगांडा, सूडान, रवांडा, इन्हें किस दुनिया का देश कहा जाता है? ए पहली दुनिया, बी दूसरी दुनिया, सी तीसरी दुनिया, डी चौथी दुनिया। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, निम्न में से क्या कौन से उत्पादन के कारक हैं? क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, निम्न में से कौन कौन से उत्पादन के कारक हैं? श्रम भूमि पूंजी उद्यमशीलता, बी श्रम भूमि सरकार बिजली, सी श्रम जलवायु भवन मौसम पठार या डी श्रम भूमि उद्यमशीलता। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, होटल, बैंकिंग, परिवहन, संचार, लोक प्रशासन किस क्षेत्र से संबंधित है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नौ, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक कारक सेवाओं तथा अंतिम वस्तुओं सेवाओं के परस्पर निर्भर प्रवाह को क्या कहते हैं? ए आय का चक्रीय प्रवाह, बी मांग, सी पूर्ति या डी मांग धक्का। क्वेश्चन नंबर दस, अवैध आय से संचालित अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? ए मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी समानांतर अर्थव्यवस्था, सी निजी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान आय का विभाग जिसे भविष्य में उपभोग के लिए बचा लिया जाता है क्या कहलाता है? ए बचत, बी प्रयोज्य आय, सी उपभोग या डी आय प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आय की मात्रा इतनी कम होगी किसी प्रकार से वर्तमान जरूरतों की पूर्ति हो जाए, ऐसी आय को क्या कहते हैं? ए राष्ट्रीय आय, बी अधिशेष आय, सी निर्वाह या डी प्रयोज्य आय। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा आयातित वस्तु और सेवाओं पर प्रशुल्क, कोटा, अधिनियमों, कर व अन्य प्रतिबंधों में छूट दिए जाने को क्या कहते हैं? आयात उदारीकरण, भी निर्यात उदारीकरण, सी BOP या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, उन अन्य देशों से देश के अंदर आने वाले निवेश को क्या कहते हैं? प्रेरित निवेश, बी अंतर्मुखी निवेश, सी बहिर्मुखी निवेश या डी पूर्ति निवेश। क्वेश्चन नंबर 15, भारत किस दुनिया के अंतर्गत आता है? पहली दुनिया, बी दूसरी दुनिया, सी तीसरी दुनिया, डी चौथी दुनिया। क्वेश्चन नंबर 16, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक के लेखक कौन है? WC बनर्जी, बी MV विश्वेश्वरैया, सी दादाभाई नौरोजी, डी इनमें से कुछ नहीं। क्वेश्चन 17, इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम तथा YS राजन, सी मनमोहन सिंह, डी जॉन मथाई या डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान, बी आर के सन्मुख चट्टी, सी जॉन मथाई, डी देसाई। तो फ्रेंड, इसमें थोड़ा डाउट रहता है पर फिर भी आप देख लेना कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है, इसे एक बार नेट पे चेक कर लेना। वैसे इसका आंसर मैं आपको शाम को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के खाद्य निगम वित्त वर्ष बताओ। ए 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, सी 1 जनवरी से 31 दिसंबर या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेगोरी वर्ष बताइए। ए 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, सी 1 अप्रैल से 31 मार्च या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ए के चंद्रा, एन के सिंह, वाई वी रेड्डी या के सी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 22, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 2005, 2006, 2007 या 2008। क्वेश्चन नंबर 23, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015, बी 25 सितंबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2014 या डी 16 जुलाई 2015। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ए मार्च 2004, बी अप्रैल 2005, सी दिसंबर 2006 या डी फरवरी 2007। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? IBRD 1944, बी IMF 1947, सी IDA 1960 या डी WTO 1995। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी आपके TGT SST एग्जाम के लिए जिसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने अभी इसके आंसर नहीं बताए हैं, ये आपको
कमेंट करके बताने हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। और इसके, मैंने इसके आंसर इसलिए नहीं बताए हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सको, कितनी आपकी तैयारी हो रही है और कितनी अभी बाकी है। तो फ्रेंड जल्दी से इस वीडियो के आंसर कमेंट करके बताइए, अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो ठीक है जल्दी से, और मैं जल्दी ही थोड़ी देर बाद इस वीडियो का आंसर अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड जल्दी मिलता हूँ इस वीडियो का आंसर लेके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपनी तैयारी में लगे रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे हमारे चैनल को मन पर एंजॉय को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।